हे गाइस, दिस इज गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं फिक्सिंग गियर्स। तो आज ये गाड़ी आई है हमारे पास TVS स्कूटी पेप, जिसमें कस्टमर का कहना है कि चलते चलते गाड़ी अचानक से बंद हो गई। फिर हमने इसकी जो है सीट उठाई तो चेक किया, उसके बाद पता चला कि इसका जो ये CDI से निकलने वाला जो वायर है, जिससे CDI का आउटपुट करंट निकलता है और इसकी इग्निशन कॉइल में जाता है, इग्निशन कॉइल के ये इनपुट वायर कहलाता है, तो ये करंट देना गाड़ी बंद कर गई। चल देखे, चेक किया तो करंट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ग्राहक को बहुत ही अर्जेंट गाड़ी चाहिए, रात के 7:30-8 बजे गाड़ी आई हमारे पास और ये कॉइल अभी अवेलेबल नहीं है। देखते हैं कैसा इसका क्या जुगाड़ है, क्या जुगाड़ करना है, किस तरह से काम करना है, पूरी की पूरी डिटेल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। देखते रहिए साथ साथ। सबसे पहले तो हम ये इग्निशन कॉइल को खोल के देखते हैं। तेरे को दूंगा अभी, थोड़ी देर में मुझे। और ये ब्लैक वाला वायर भी आराम से हटा लें। तो देख रही हैं, दो पॉइंट है इसमें, जिसमें दूसरा पॉइंट जो है टूटा हुआ है। ब्लू कलर का वायर यहाँ कनेक्ट होना था, जो कि गाड़ी चलने के कारण या दचकों में या कैसे भी कह लीजिए वायर टूट गया है, जो कि ऑब्वियसली बात है ये बहुत कच्चे होते हैं, समय के साथ टूट ही जाते हैं। ये है एक्टिवा की 2 पिन वाली HT कॉइल। हम इस कॉइल को, HT कॉइल को TVS पैप में लगाने जा रहे हैं इसी कॉइल की जगह, इग्निशन कॉइल की जगह पर। तो इसी इग्निशन कॉइल में से एक वायर जो लगा हुआ था वो तो हमने निकाल लिया, ब्लैक कलर का। इसको छील कर अच्छे से हॉर्न की क्लिप में लगाकर लगाएंगे, परमानेंट काम करेंगे, कुछ भी जुगाड़ वाला काम नहीं है, ताकि कस्टमर को दोबारा कभी परेशानी आए ही ना, अच्छे से सोल्डरिंग वगैरह करके। तो सोल्डरिंग अगर अच्छे से करें तो ये वायर कभी निकलेगा ही नहीं सोल्डरिंग में से। पेस्ट वगैरह लगाकर सोल्डर करें। और ये हॉर्न की पिन में अच्छी वाली हॉर्न की पिन ले, सिल्वर कलर की जो हॉर्न की पिन आती है, गोल्ड कलर की हॉर्न की पिन ना ले, ये ज्यादा बढ़िया रहती है सिल्वर वाली। और इसमें सोल्डरिंग भी बहुत अच्छी होती है और इसकी पकड़ भी बहुत अच्छी रहती है। इस तरह से हॉर्न के वायर डिले पड़ते हैं, ये भी डिले पड़ेंगे ना, ये कॉइल का काम है, वो अपने भरोसे पे कहीं ले जाए, बोल जब उड़ ले जाए। चलो भैया ने कर दिया काम, सही है, काम परमानेंट हो रहा है। वो तो कहीं से भी आया हो, दूस ढूंढ के अपने पास ही आया वो बंदा वापस, वो भरोसा बना रहना चाहिए ना। फिर इसको नॉक प्लायर की मदद से हॉर्न के क्लिप्स को अच्छे से दबा दें, ताकि वायर और अच्छे से टाइटली पकड़ में आ जाए। फोन उठा के मैंने बोला भैया इतने लगे, बोले कर दो आपको जितने लगे लगा दो, यही बोला। तो ये होती है वो उस बात का है। 5 मिनट के हो गए बनाता रहा, 20-25 मिनट बनेगी, वो टेंशन मत ले, वो काम में घंटा जाओ जब कुछ बनाता रहा। किताब खींच के देखने निकाल ले, कैसे भी कर ले, निकलेगा नहीं, सही है ना। और इसी तरह से दूसरी पिन के लिए हम ये TVS पैप की ही उसी पुरानी इग्निशन कॉइल की वायर लेंगे और उसे भी अच्छे से दूसरी हॉर्न पिन में सोल्डर कर लेंगे, जैसे ही पहले वाली करी थी वैसे की वैसे सेम। और प्लास की मदद से, नॉकला की मदद से इसको भी बहुत अच्छे से दबा लेंगे, टाइट कर लेंगे। आप लोग मुझे बताते हैं।
अब दोनों पिनें अच्छे से लग चुकी हैं। जो ब्लू वाली है हमने ग्रीन कलर के सॉकेट में लगाई है और जो ब्लैक वाली है उसको ब्लैक कलर के सॉकेट में लगाई है एक्टिवा के न्यू मॉडल की HT कॉइल में। और उसके बाद इस पर अच्छे से ब्लैक टेप लगाए। ब्लैक टेप करने के बाद इसको और थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए, ताकि ये हटे ना और ब्लैक टेप भी एक इंसुलेशन का काम करे और हटे ना, तो उसके लिए आप माचिस लेकर माचिस को जलाकर ऐसे ब्लैक टेप को गर्म करके श्रिंक कर सकते हैं, जिसे इंसुलेशन या फिर यूं कह लीजिए ये इलेक्ट्रिक टेप जो है हटेगा नहीं आसानी से। फिर जो भी नट वगैरह से वो इग्निशन कॉइल लगी हुई थी उसे वापस से लगाएं और अच्छे से टाइट करें। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये वापस से गड्ढे वगैरह में आने के बाद ये तार ना टूटे, तो तार वगैरह जितने भी हैं अच्छे से टेप करें। उसके बाद हम इस कॉइल को चेक करेंगे इस गाड़ी में कि कैसे काम कर रही है, करंट प्रॉपर है या नहीं। प्लग कैप को वापस लगाएं। प्लग कैप अगर ख़राब हो तो नहीं लगाएं, पर चेंज जरूर करें, पर अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन। प्लग कैप को लगाने के बाद गाड़ी को ऑन करते हैं और ये देखिए तो इसी तरह से अगर पैप में इग्निशन कॉइल अगर काम नहीं कर रही है, एमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आपके पास HT कॉइल एक्टिव आगे रखी हुई है तो आप ये भी लगा सकते हैं। वैसे तो हम ये काम नहीं करते इस तरह का जुगाड़ का, लेकिन कस्टमर की डिमांड पे हमें ये भी करना पड़ता है कभी कभी, पर फिर भी ये कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, बहुत बढ़िया काम है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फिक्सिंग गियर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।